वालेकुम क्लास टू। इसका आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो किया हुआ है वो है एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, इसमें आज हम पेज नंबर 16 एंड 17 करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 16 एंड 17। कल हमने टाइप्स ऑफ स्केलेटन्स पढ़े थे कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो किस किस तरह से होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि एनिमल्स जो है उनको डिफरेंस करना कि ये कौन सा ग्रुप है एनिमल्स का, ये वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, या क्या इनके अंदर चेंजेस हैं। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने हमारी हेल्प किया, उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को टू ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जो आपकी बुक में डिस्कस्ड है। और उन्होंने क्या किया, इनके स्केलेटन को देख के और इसके अलावा इनके स्केलेटन के अलावा उन्होंने इनके बॉडी टेम्परेचर किस तरह से कंट्रोल करते हैं इसको देख के, ये दो चीजें उन्होंने क्या किया हुआ है, इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब हमने पढ़ना था टाइप्स ऑफ स्केलेटन, इनकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होता है वो किस तरह का होता है, यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका स्केलेटन बॉडी के अंदर होता है, जैसे हम ह्यूमन हैं, हम लोगों की बॉडी का स्केलेटन क्या है, बॉडी के अंदर है। कुछ ऐसे भी होते हैं एनिमल्स के जिनकी बॉडी का स्केलेटन उनकी बॉडी के बाहर होता है, उनकी हार्ड कवरिंग होती है, उनकी बॉडी के अंदर बोन्स नहीं होती, और उनकी उस हार्ड कवरिंग की वजह से क्या होता है, उनका स्केलेटन चेंज होता है। अब कल हमने पढ़ा था वो एनिमल्स जिनका स्केलेटन क्या होता है, एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मींस कि जिनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है, स्केलेटन इनसाइड देयर बॉडी। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है उनको क्या कहते हैं, हम एंडोस्केलेटन। जैसे इसमें हमने ये डिफरेंट एनिमल्स पढ़े थे, हम लोग खुद देख रहे हैं तो हमारा क्या है, स्केलेटन इनसाइड है। अब आगे था क्वेश्चन पेज नंबर 16 पर ही कि आप ये बताएं कि ये यहाँ पर जो स्केलेटन्स बने हुए हैं ये किस किस एनिमल के, आप अपनी बुक खोल कर देखें बुक पर। ठीक है, आपको नजर आएंगे फिश है, फिश का स्केलेटन है, इसके अलावा फ्रॉग है, फ्रॉग का स्केलेटन है, इसके अलावा ये किसका स्केलेटन है, ये डायनासोर का है, और ये किसका, ये तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये किसका स्केलेटन है, ये हमारा इनकी ह्यूमंस का स्केलेटन है। तो ये थे एंडोस्केलेटन जिनको हमने कल भी पढ़ा था। आप भी अपनी बुक पर क्या करें, इनको नीचे लेबल करें, इनके नेम्स लिखें कि ये इस वाले एनिमल का स्केलेटन है, इसका स्केलेटन। ठीक है, वो तो थे एंडोस्केलेटन मींस स्केलेटन उनकी जिनकी बॉडी के अंदर होता है। अब आज हमने करना है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मींस कि वो एनिमल जिनका स्केलेटन उनकी बॉडी के बाहर होता है, स्केलेटन ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी। इसमें अगर हम इंसेक्ट्स देखें तो इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर बोन्स नहीं होती, उनका जो बाहर वाली कवरिंग होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, और उस हार्ड कवरिंग को क्या कहा जाता है, काइटन, और वही क्या है, उनका स्केलेटन होता है। और उस स्केलेटन को क्या नहीं दिया जाता है, एक्सोस्केलेटन। एक्सो मींस के बाहर वाले साइड पे। ओके, अब यहाँ पर देखें ये जो आपको मॉस्किटो नजर आ रहा है इसका स्केलेटन क्या है, एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, जो क्या करता है उनकी बॉडी के बाहर जो शेल होता है वो उनको क्या करता है, उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उनको किसी भी किस्म का डैमेज वगैरह होने से उनको प्रोटेक्ट करता है। तो इसी तरह से इंसेक्ट्स ले लें, शेल फिश ले लें, ये क्या है, इन सबके जो स्केलेटन है वो क्या है, बॉडी के बाहर होते हैं, और उनको क्या कहा जाता है, एक्सो स्केलेटन। अब यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, डज अ स्नेक हैव एन एक्सोस्केलेटन, कि जो स्नेक है क्या इसकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन इसका होता है वो एक्सोस्केलेटन है या क्या है। उन्होंने साथ में आपको हिंट दी हुई है, इट्स अ रेप्टाइल, ये रेप्टाइल है। तो पीछे हमने पढ़ा था रेप्टाइल्स के अबाउट, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पर मेंशन है, आप उसको देखें पढ़े और फिर आपको पता चल जाएगा। और आपने फिर क्या करना है, इसको बताना है, इसके सामने लिखना है कि इसका स्केलेटन जो है वो एक्सो है या नहीं। ओके, तो अब इंशाल्लाह ताला कल हम अपना नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे, आपने इसको घर में अच्छी तरह से रीड आउट करना है। थैंक यू।